Hi friends, this is your Charabos Juhi and you guys are watching Hathway BTV Yuva kyunki is zamana wahi the youngsters ka hum bade hue hain Arnold Schwarzenegger ka action dekhkar Sylvester Stallone ka action dekhkar aur hum sochte the kya hamare aga koi hero hai jo one man army type behave karega ek ya akela ladai you know pop 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 matlab actually hum sochte the south mein hota bhi hai but real action with the real punches with the real kicks वैसे ये एक ही बंदा करता है अभी बॉलीवुड में दैट इज टाइगर श्रॉफ यस तो आई एम एट द रिव्यू ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ 2018 दैट इज बागी 2 बागी तो बहुत कमाल की लगी थी कि कैसे एक अकेला इंसान तीन मंजिला जो इमारत है उस पर हर फ्लोर पे बहुत ही डेडली फाइटर्स हैं उनसे लड़ लड़ के हीरोइन को बचा के आता है नाउ लेट्स टॉक कि बागी 2 में क्या होने वाला है मुझे अभी नहीं पता है मैं मूवी देखूंगी आपको ज़रूर बताऊंगी लोगों के रिएक्शंस भी दिखाऊंगी बट उसके पहले देखते हैं बागी 2 का एक ट्रेलर विशाल बागी 2 से कितनी एक्सपेक्टेशंस थी और वो कितनी खरी उतरी है बहुत अच्छी मूवी है ऑसम मूवी है अभी तो आधा ही हुआ है बट आपको क्यों क्यों आप फिल्म ये देखने आए आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ की ट्यूनिंग देखने में टाइगर श्रॉफ का एक्शन देखने में या बागी आपने पहली देखी थी इसलिए आप बागी 2 देखे मैम जो फर्स्ट थी वो तो अच्छी थी बहुत अच्छी बट इसमें भी अच्छे लुक्स में थे और एक्शन मूवी थी और थोड़ी कॉमेडी इसमें भी थी बाकी इसमें भी बता दें अभी नहीं आया है बाकी एक्शन मूवी ऑसम एक्शन मूवी है बट आपको लगता है कि बागी 2 जो है वो पैसा वसूल रहेगी और बहुत हिट होगी मैम बहुत ज़्यादा पैसा वसूल 100 करोड़ 200 करोड़ में जुड़ जाएगी 100 से तो ऊपर ही जाएगी मैम पाँच में से स्टार्स कितने देंगे मैम 4 और 5 थैंक यू सो मच मेरे साथ है संदीप संदीप कैसी लग रही बागी बहुत बढ़िया थी बढ़िया फाइट है तुम क्यों आई इस फिल्म को देख के तुम्हें टाइगर श्रॉफ पसंद है फाइट पसंद है क्या पसंद है टाइगर श्रॉफ और उनकी एक्शन अच्छी लगती है तो अच्छे स्टंट्स किए हैं उन्होंने इस फिल्म में हाँ बहुत बागी देखी आपने पहली वाली हाँ। बागी अच्छी है कि बागी 2 ज़्यादा अच्छी दोनों अच्छी है ज़्यादा बागी 2 भी अच्छी है ओके पाँच में से कितने स्टार्स दोगे 4 थैंक यू सो मच जितेंद्र जी कैसी लगी बागी 2 मैम अच्छी मूवी है आपने बागी देखी थी इसके पहले वाला देखी थी। तो उसके कारण आपको एक्सपेक्टेशंस क्या हाई थी इस फिल्म से हाँ हाई थी मगर अभी थोड़ी लो चल रही है मूवी स्लो मूवी है बागी का एक्शन और बागी 2 के एक्शन में कितना डिफरेंस अभी तक तो मूवी में एक्शन दिखाया ही नहीं मैम हो सकता सेकेंड हाफ में दिखाए एक्शन अच्छा टाइगर श्रॉफ कैसे लग रहे हैं टाइगर श्रॉफ अच्छा लग रहा है और दिशा पटानी उनके साथ दिशा पटानी की एक्टिंग भी अच्छी है अभी तक तो मूवी ठीक चल रही है थोड़ा बोर भी मार रही है पाँच में से कितने स्टार्स 5 में से 3 स्टार्स थैंक यू सो मच Now let's talk about बागी 2. बागी 2 is the same feel जो बागी में था कि भैया राउडी हो गए हैं बागी हो गए हैं और किसी रीज़न वाइज हो रहे हैं पहली फिल्म में भी एक ड्रामा था बट इस फिल्म में एक इमोशनल टच दिया गया है फिल्म को और इट इज़ ए स्टोरी जहाँ पे एक 3 साढ़े 3 साल की बच्ची जो है उसका किडनैप हो जाता है वो दिशा पटानी की बेटी है और दिशा पटानी फिर फ़ोन लगाती है एक आर्मी ऑफिसर को जो कि है हमारे टाइगर श्रॉफ जिनको रॉनी कहती हैं वो और बोलती हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अब फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है और पता चलता है कि दिशा और रॉनी जो हैं वो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे शादी तक बात पहुँच गई थी बट किसी वर्ष यू नो किसी कारण के से शादी नहीं हो पाई बट रॉनी जो है अभी भी दिशा को बहुत पसंद करता है प्यार करता है दिशा की शादी हो गई उसकी 3.5 साल की बेटी है जो किडनैप हो चुकी है कोई उसका साथ नहीं दे रहा उसने पुलिस कंप्लेन कराई दुनिया भर की चीज़ कराई पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा है एंड फाइनली वो रॉनी को बुलाती हैं और उसके बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स की कहानी स्टार्ट होती है नए नए कैरेक्टर्स जुड़ते हैं बहुत सारे चीज़ें रिवील होती हैं 2 घंटे 25 मिनट की थोड़ी सी लंबी फिल्म बना दी है जो चीज़ 2 घंटे में भी दिखाई जा सकती थी बट एनीवेज आपको फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो पेस लगेगा क्योंकि इट इज़ अबाउट अ लव स्टोरी ऑल्सो शोन एंड देन फ्लैशबैक भी दिखाया है एंड देन थोड़ा सा एक जो इंटरवल पे है थोड़ा सा ट्विस्ट है एंड देन इंटरवल के बाद आपको टोटल प्योरेस्ट एक्शन देखने को मिलेगा जिसके लिए आप शायद बागी 2 देखने भी आ रहे हैं क्योंकि फाइनेस्ट एक्शंस में से एक एक्शन मूवीज़ ऑफ दी बॉलीवुड में से एक हो सकती है हाँ अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद दी हॉलीवुड सीरीज़ तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार एक्शन में और कुछ अच्छा हो सकता था एक्शन कोरियोग्राफी थोड़ी सी स्लो हो गई बट फिर भी आप बंदे की मेहनत देखेंगे टाइगर श्रॉफ की और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये एकमात्र ऐसा एक्टर है एंड ऑफकोर्स अक्षय कुमार भी है और अजय देवगन भी है बट टाइगर श्रॉफ की जो फुर्ती है और जो एक्शन करते हैं वो जो खुद के स्टंट्स करते हैं बाई हैट्स ऑफ टू दिस मैन
देन कैसे वो सेकंड हाफ में सारी गुत्थी सुलझाते हैं और फिर कैसे बच्ची को बचा पाते कि नहीं, ये तो आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा। बट इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में जो जिसपे वाओ वाली फील आती है, आप सीटी पर जाएंगे, वो कैरेक्टर भले छोटे से देर के लिए आएगा पर उस कैरेक्टर के लिए भी ताली बजेगी। अब कौन कौन है ऐसे भैया, जैसी एंट्री होती टाइगर श्रॉफ की सीटियाँ बजेगी, दिशा पटानी तो क्यूट है ही, लड़के खुश हो जाएंगे उन्हें देख के, जैसी एंट्री होगी मनोज वाजपेयी की, इज प्लेइंग अ सीनियर डीआईजी ऑफ पुलिस, यू नो, तो उनकी एंट्री होती है और बड़ा मज़ा आ जाता है सबको क्योंकि वो एक पुलिस के, एक स्वैगर पुलिस के किरदार में है। देन फिर एलएसडी जो उनका नाम ही है, सब पंजाब पुलिस में रहे हैं एसीपी और अब इधर आ गए हैं गोवा में और बड़े ही अजीब टाइप के हैं, एंड वो उनका कैरेक्टर निभाया रणदीप हुड्डा ने, ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम, इतना राउडी पुलिस वाला है ना, एकदम कूल टाइप का कि ठीक है ना, मतलब ऐसा ऐसा डायलॉग भी आपको रणदीप हुड्डा के बेहतरीन लगेंगे, जो थोड़ी बहुत पंचेस भी दिए ना फिल्म में वो भी सिर्फ रणदीप हुड्डा ने दिए। देन टॉकिंग अबाउट थर्ड कैरेक्टर इज प्रतीक बब्बर, ही इज़ प्लेइंग द बैडमैन, मीन्स चरस गांजा लेने वाला एकदम यड़ा सा लड़का जिसे कुछ समझ नहीं आता, बस कुछ तो भी बोलता रहता है। But who is the real bad person in the movie? You have to see it and you have to then you know, you have to know that. मैं नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप बोलेंगे सारा सस्पेंस अभी खाली कर दिया, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। दिशा पटानी थोड़ी और अच्छी एक्टिंग कर सकती थी, टाइगर श्रॉफ अनडाउटेडली बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और उन पर उनके ऊपर ये ना सोल्जर वाला लुक ना जचता है। शिवूजी भी हैं इसमें जो उनके कमांडेंट हैं और उनका भी छोटा सा कैरेक्टर है, बट जब वो बोलते हैं ना कि वो अकेला ही वन मैन आर्मी है, मैं तुम लोगों को उससे बचाने आया हूँ, तो मज़ा आता है। सो ऑल इन ऑल मूवी इज़ गुड, अहमद खान की डायरेक्शन है, अहमद खान पहले एक्टर रहे हैं फिर कोरियोग्राफर रहे हैं अब डायरेक्टर बन गए, तो वो जानते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, बट कई चीज़ें उन्होंने वेस्ट ही डाली हैं, मतलब मुंडियाँ तो बच के रही या फिर एक दो तीन, ये गाने अच्छे तो हैं रिमिक्सेस बट अनडाउटेडली अनवांटेडली ये फिल्म में है, मतलब गाने क्यों डाले हैं फर्स्ट हाफ में, पिछले शुरू के ही 15 मिनट में दो गाने, मतलब ऐसा लगता है वो साथी और एक और गाना है, तो मुझे लगता है कि ये गाने अगर फिल्म में डलते हैं ना तो फिल्म का पेस कम हो जाता है जब वो फिल्म एक्शन मूवी हो। बट एनीवेज मसाला फिल्म की दरकार होती है, सभी को तो गाने भी चाहिए ही चाहिए। सो मैं 5 में से 3 स्टार्स देना चाहूँगी, बट आधा स्टार टाइगर श्रॉफ के एक्शन की इंटेंसिटी को देखकर, वो कितनी मेहनत करते दिख जाता है। सो लिटरली 3.5 स्टार्स फॉर बागी 2। सो ऑन दिस नोट अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया, आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू जल्दी मुझे फीडबैक देके बताइए, feedback@gmail.com। टिल देन दिस इज योर चैट अबाउट जू, साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी, रिया इसकी वॉचिंग हाथ में पी टी वी हुआ क्योंकि जमाना है वीर यंगस्टर्स का।